आज क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को सो आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ बना के मतलब आज मैं आपको कुछ बना के दिखाऊंगी उसको क्या बोलते हैं शायद स्टिकी राइस केक. हाँ स्टिकी राइस केक ऐसा ही कुछ बोलते हैं. सो उसमें चाहिए स्टिकी राइस. अच्छा से नहीं आ रहा है. हाँ उसमें चाहिए स्टिकी राइस, शुगर. हाँ बस हमारे पास बस इतना ही है. स्टिकी राइस एंड देन शुगर, उसके बाद बनाना लीफ एंड देन कुछ उसको बांधने के लिए. सो आपको दिखाएगा कि स्टिकी राइस केक कैसे बनाते हैं, मतलब इन माय वे मैं कैसा बनाती हूँ वो दिखाऊंगी आपको. लेट्स बिगिन. ये स्टिकी राइस का पाउडर जो मैंने ग्राइंड किया है ग्राइंडर में, और बस इतना ही है. और इसमें हम लोग अभी शुगर ऐड करने वाले हैं. सो शुगर कहाँ है? शुगर यहाँ है. दुकान से जाके लिया ये. आई थिंक दिस इज फॉर 10 रुपीज़, 20 रुपीज़. हाँ 20 रुपीज़ का लिया क्योंकि शुगर ख़त्म हो गया था. सो अभी इसको ऐड करेंगे. तो शुगर जितना आपको अच्छा लगे उतना डालना है. मैंने 10 रुपीज़ का सब, आई थिंक 10 रुपीज़ का सब डालना चाहिए. इसमें डाल दिया. अब चाहिए पानी. पानी चाहिए हमको. अभी मिक्स करना है. मतलब आई थिंक पानी कुछ ज्यादा हो गया. आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आप लोग भी ऐसे बनाते हो. माय वीडियोग्राफर मेरा बहन. हाथ धोया है मैंने. हाथ ये हो गया है. अभी हम लोग गैस में नहीं बनाएंगे क्योंकि गैस खत्म हो जाएगा. इसमें बहुत प्रोसेस लगता है. बहुत देर से नहीं पकता है. बाहर बनाएंगे, बाहर चूल्हा में बनाएंगे. लकड़ी ही लगा के आग जला के चूल्हा में बनाएंगे. चलो हाकाप मेरे साथ. हाकाप में बनाएंगे. दीमा सास को पता होगा कि हाकाप के हाकाप में चूल्हा. कम ऑन थिंग. और हमें चाहिए ये बनाना लीफ. पहले से काट के रखा था लेकिन वीडियो करना भूल गई मैं. और इसको अभी यहाँ पे जलाएंगे ताकि जब हम लोग पैक करेंगे इसको तो ये ना फटे. मतलब पैकिंग करने में ये नहीं फटेगा. इसके बाद इसको ऐसा फिर ऐसा. अब इसको ये मैंने जो निकाला है बनाना लीफ से इससे ऐसा बांध देंगे. ये फट रहा है लेकिन मेरा अच्छा नहीं आ रहा है. इसको निकालना पड़ेगा. सो ऐसा बांध देंगे. अभी इसको बॉईल करना है इसको. और बहुत सारा बर्तन भी धोना है. एंड अगर इफ यू आर थिंकिंग ये लड़की इतना गंदा कैसे रहता है तो मैं ऐसा ही घर पे रहता हूँ. देख लो दिस इज हाउ आई स्टे इन होम. सो इसको बॉईल करना है और इसको धोना है. तो यहाँ पे रख देते हैं. पानी इतना चाहिए. पानी देखना पड़ेगा कि इतना में कितना पानी का ज़रूरत है. सो चलो इसको चूल्हा में डालते हैं. और ये चूल्हा देखो. हैव यू एवर सीन, क्या कभी ऐसा चूल्हा देखा है आप लोग ने? अभी पानी बॉईल करना है. पानी गर्म करना है. गरम कर लिया फिर ये भी कितना गंदा है इसका ज़रूरत है तो धोना पड़ेगा इसको. सो अभी पानी गरम हो गया है. सो इसको डाल देंगे वहाँ पे. इसको जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है आपको खा के भी दिखाएगा. और चलो
लकड़ी खत्म हो गया है, सो लकड़ी लेने आया है बाहर। लकड़ी 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 लकड़ी, क्योंकि हमारा चूल्हा छोटा है इसलिए छोटा वाला लकड़ी ले रहा है, इससे काम चलाना पड़ेगा, छोटा चूल्हा है इसलिए। ओ पानी गर्म हो गया है, अब इसको डालना है। ये देखो इस मैडम को, हंडी फाइव डूडा, और ये देखो इस मैडम को ऐसा रोया ऐसा रोया, तो पूछा क्यों रोया, पूछा तो बोलता है दुकान जाएगा, वो भी सिर्फ मेरे साथ। चेरी चेरी, हेलो सर, हेलो माय नेम इज क्लेरी सर, निंगा का काया बा निंगा खड़ा ना क्या काजुटा, हर नेम इज क्लेरी गुबा गुबा बड़ा गुबा ए गुबा, शायद बन गया, अभी तक बना नहीं है। सो और हमारे पास कोकोनट भी था, इसलिए वी डिसाइडेड कि कोकोनट से भी कुछ बनाएंगे। सो मैंने अपना दोस्त को भेजा है मैदा लेने के लिए, मैदा लेती लेके आता ही होगा। सो हम लोग कोकोनट से भी कुछ बनाने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या है लेकिन हम लोग बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। और मैंने जो बनाया था अभी तक बना नहीं है, टेस्ट करके देखा था तो अच्छा से बना नहीं है, तो उसको ऐसे ही रखा है उबाल के। लेट्स मेक, कोकोनट बनाने के लिए मैदा मिक्स करना है, तो मैदा लेके आ गया है। दिस इज शिव शक्ति, पता नहीं कि कौन सा क्या है, ये अच्छा है कि नहीं। सो लेट्स मिक्स दिस, लेट्स मिक्स। अभी इसको यहाँ रख दें, फिर उसके बाद नारियल आई मीन कोकोनट की बारी है, फिर कोकोनट वो लोग कर रहे हैं, मेरा कोकोनट वो लोग बना रहे हैं, मतलब कोकोनट को छील रहे हैं। उसके बाद हाँ मुझे वो वाला पहले जो बनाया था उसको निकालना है। तो ये बन गया है, बन गया है। लेट्स ट्राई, एक ट्राई करते हैं। सो 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 दिस इज हाउ इट लुक्स, यम यम यम। बहुत अच्छा है, अच्छा है। I made this. बना लिया है, अभी खाने की बारी है। सो लेकिन
क्योंकि हम लोग सब मिलके खाने वाले हैं, इसलिए मैं वो नहीं दिखा पाऊंगी आपको।